गाइस ये ढाबा तो अमरीक सुखदेव से ही बहुत बड़ा है अंदर स्पेस के मामले में। हर तरफ अलग अलग सेक्शन बने पड़े हैं, इधर देखो कितनी सारी सीटें हैं, उससे ज़्यादा इधर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जा रहा हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मुरथल दोबारा से। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैं सुबह 5 बजे वापस आया था और कुछ घंटे सोकर सुबह 11 बजे मुझे दोबारा जाना पड़ा। तो चलते हैं, ये प्लान भी हमारा पहले से बना हुआ था। अभी जस्ट मैं सिग्नेचर ब्रिज वाले रोड पे हूँ, सिग्नेचर ब्रिज पहुँचने वाला हूँ और मेरे को जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पे मिर्ज़ा मिलेगा और वहाँ पे मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड और आने वाली है। तो चलते हैं। मैं टाइम से आ गया हूँ और बाकी कोई टाइम से नहीं आया है, वेट करते हैं यहाँ पे। मिर्ज़ा आ गया है, गाड़ी लेके चलते हैं गाइस। ये बताना, मैं आ गया हूँ। वहाँ से कहाँ का रिक्शा किया था? बाकी मुझे नहीं पता। तो अभी वहीं है यानी तू? तो रिक्शे में है तो रिक्शे वाला क्या बोलता है? पीछे से लेके जा रहा होगा ना, हैदरपुरी लेके जा रहा है ना तेरे को मेट्रो पे? फिर कौन से पे लेके जा रहा है तू? तो यार तेरे तू कहीं भी किसी के साथ बैठ के चल देगी? बता, पूछ तो सही उससे। कितने आपके मानेगी आज? गाइस रात को तो मुझे लग रहा था सिर्फ खेत और जंगल ही है यहाँ पे इस हाईवे पे, बट अब राइट साइड पे देखने में पता लग रहा है कि हाँ बिल्डिंग है, मॉल्स वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ है। तो पहुँचने वाले हैं बस 10 से 15 मिनट में हम मुरथल पहुँच जाएंगे। सुबह 5 बजे गया था और 3 बजे वापस आ गया हूँ दोपहर में। ये आ गया ना वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, पानीपत जलंधर। तो गाइस हम फिर से आ गए हैं। ये कहाँ से आ रही आवाज? क्या हो गया भाई, गाड़ी लॉक नहीं हो रही क्या? कर ली चेक। तो गाइस हम आ गए हैं, चलते हैं अंदर। तो गाइस हम आ गए हैं, अब ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं कौन क्या खाने वाला है। और इसमें ये बताना कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। यहाँ लाइट भी आती है बीच बीच में, ऐसे पावर कट होता रहता है। तो ऑर्डर दे रहे हैं अभी। ये रहा हमारा मेन्यू, ये पराठा स्पेशल है। तो देख सकते हो कितने सारे पराठे हैं, पनीर पराठा, आलू प्याज पराठा, यही मंगा रहे हैं। कौन सा तंदूरी पराठा खाएं या तवा पराठा खाएं? मुझे डिफरेंस नहीं पता। अरे ये तंदूर में बनता है और ये तवे पे बनता है रेगुलर। जैसे घर में बनता है। अच्छा, तभी मैं उसको नान बोल रहा हूँ ना, तंदूरी वाले को मैं नान बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये वाला खाऊंगी तंदूर वाला। चलो चलो ऑर्डर कर लेते पहले, फिर देखते हैं क्या आता है थाली में। अब हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और इधर चल रहा है फोटोशूट, जिसको घर से परमिशन नहीं मिली। हम 3 लोग ही आए हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। फिर जब बोला करेंगे मेरे घर पे आ जाए, मेरी शादी में व्लॉग बनाएंगे, फिर मैं बोलूँगा नहीं तेरे अपने पापा से परमिशन लेकर आ वाले। तो चलो गाइस अपना खाना आ गया, शुरू करते हैं। तो गाइस ये खाना पीना हो गया, सबने खाया अकेले। चले चलो चलते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया, फोटो भी काफ़ी खिंचवा ली है। ये पंखे चल रहे हैं मस्त फुहारे वाले, तो अब चलते हैं। कह रहे गरम धरम भी बगल में ही है, देख लेते हैं क्या हो गया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अमरीक सुखदेव ढाबा के बस जस्ट बगल में है गरम धरम, धरम जी का अपना ढाबा। पता नहीं सच में धरम जी का है कि नहीं, लेकिन चल के एक बार देख लेते हैं। अपने को तो फोटो खिंचवानी है बस। ये गरम धर्म के अंदर हमने एंट्री कर ली है,
मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। गाइस ये ढाबा तो अमरीक सुखदेव से ही बहुत बड़ा है अंदर स्पेस के मामले में। हर तरफ अलग अलग सेक्शन बने पड़े हैं, इधर देखो कितनी सारी सीटें हैं, उससे ज़्यादा इधर है, हर जगह सीटें ही सीटें हैं, इधर लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे ट्रक्स वगैरह, लॉरी, थ्री व्हीलर, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई हैं। गाइस धर्मपाजी वाली जो बाइक थी उस पर तो फोटो खिंचवा लिया, अभी जीप ना है। डोंट फिट ऑन बोनट, बोनट पर नहीं सीट कर सकते, बाकी तो अंदर खिंचवा सकते हैं फोटोज का मतलब। तो फोटो खिंचवाने के तो बहुत सारे स्पॉट है, पीछे देखो दूसरा एक स्पॉट टंकी वाला, वो मौसी जी बहुत सारे हैं। धर्मेंद्र जी के यहाँ पे पोस्टर बना रखे हैं फोटो खींचने के लिए, गैलरी फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं। चलते हैं, और कोई थीम नजर आएगी बड़े से तो वो वहाँ भी फोटो खिंचवा लेंगे। चलते हैं, उन्होंने पकड़ ले तो बहुत मारेंगे कि अमरीक सुखदेव में खाना खा के आ गए हैं और फोटो खिंचवाने यहाँ पे। ये सारा प्लान मिर्जा का था, मिर्जा तेरा प्लान था ना? और ये फेमस स्पॉट है यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, जय और वीरू की गाड़ी बाइक वाला। बाकी पर्सनल भी बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब सिटिंग के लिए स्पेस। गाइस फोटो खींचते खींचते चाबी गाड़ी की गुम कर दी है भाई ने, चाबी कहाँ है? अब घर पे पता लगे तो क्या होगा इसका? कहाँ है चाबी? कई बार पूछे यार, है पहली बार बहुत कह रहा है मिल जाती है। अब काउंटर पे पूछ रहे हैं, उम्मीद करेंगे मिल जाए, अगर किसी को मिली होगी तो उसने काउंटर पे दे दी होगी तो मिल जाएगी चाबी, देखते हैं। तो भाई चाबी तो मिल गई है, लेकिन वो हमारे साथ एक बंदा भेजा है, शायद हमें अपनी गाड़ी उनको सामने पहचान के बतानी पड़ेगी तभी चाबी देंगे। चल रहे हैं हमारे साथ में भैया एक मिर्जा के साथ में, अगर इन्होंने गाड़ी की चाबी नहीं तो हम घर कैसे जाएंगे फिर? यहाँ से घर हमारा लगभग 50-60 किलोमीटर है, चलो देखते हैं। अंकल चाबी ट्राई करेंगे, अगर ताला खुल गया तो ही हमें चाबी मिलेगी। तो गाइस चाबी मिल गई है फाइनली, और भैया बस वेरिफिकेशन कर रहे हैं अब कि गाड़ी की चाबी आपकी ही है, आईडी वगैरह अब हमें जमा करानी पड़ेगी, कि कोई भी दावा कर सकता है कि मेरी गाड़ी है, इसलिए थैंक गॉड चाबी मिल गई। नहीं तो यहाँ से घर कह जाते, ऊपर से गाड़ी भी बंद जमा हो जाती। तो लापरवाही मत दिखाओ, फोटो वोटो खींचते चाबी संभाल के रखो। अच्छा तो मैं मेट्रो आ गया हूँ, मुझे मिर्जा ने ड्रॉप कर दिया था, चलते हैं आप अपने घर की तरफ। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ये फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने किसी नए व्लॉग के अंदर। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और बताना इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं अपने किसी नए व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। Oh, 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 oh